एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से 53 तक आपको कराए जाएंगे। उसके बाद मैंने इससे पहले आप लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यानी पूरा का पूरा बुक का यहाँ पे आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा, प्लस में ये वीडियो जितनी भी मैंने अपलोड की है अगर आप दो बार वॉच कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब उसके और जिसको PDF की ज़रूरत होगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, या तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर देगा, मैं उसको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक। फ्रायड ने मानव मन के तीन पक्षों की बात की है, चेतन मन, अचेतन मन, जबकि तीसरे पक्ष का नाम है। देखिए फ्रायड ने चेतन मन बोला था, अचेतन मन बोला था और अर्धचेतन मन बोला था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रायड द्वारा व्यक्तित्व के विकास में किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है? तो ईगो, अच्छा ईगो, सुपर ईगो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, उपर्युक्त तीनों को, उपर्युक्त तीनों को। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा दिया था मैकाइवर ने। मैकाइवर निम्नलिखित में समाज की विशेषता नहीं है, तो समाज की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? समाज मूर्त है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है कि ये समाज की विशेषता नहीं है, बाकी सहयोग, संघर्ष, पारस्परिक जागरूकता, समाज अमूर्त है, ये सब विशेषता में आ जाएगा, समाज मूर्त है या विशेषता नहीं है। भारतीय समाज की विशेषता रही है, तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है? विविधता में एकता, ये तो पता ही है, विविधता में एकता, यही विशेषता रही है। आदर्शवादी समाज में निम्नलिखित में किसको अधिक महत्व दिया गया? जो आदर्शवादी समाज है, आदर्शवादी का मतलब ही आध्यात्मिकता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ। समाज को संदर्भित करता है, तो समाज को संदर्भित करता है कौन? व्यक्तियों का समूह, नियमों की व्यवस्था, सामाजिक संबंधों का जाल। तो देखिए सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। उसके बाद है सामाजिक सावयव सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो सामाजिक सावयव सिद्धांत है वो स्पेंसर से संबंधित है। समाज एक अमूर्त धारणा है, किसने कहा था? समाज एक अमूर्त धारणा है, यह कहा था ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं किंग्सले डेविस, इनको जरूर याद रखिएगा, ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं किंग्सले डेविस। मैकाइवर ने समाज निर्माण हेतु तीन बातों को आवश्यक बताया, उनमें से एक है, तो मैकाइवर ने जो बताया था उसमें से एक क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी हर्स कोविट्स ने। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक हैं टायलर। संस्कृति का संबंध किससे होता है? संस्कृति का संबंध किससे होता है? कल्याण भावना से, कल्याण भावना से। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी। निम्नलिखित में संस्कृति एवं शिक्षा का संबंध स्पष्ट नहीं होता है, संस्कृति के हस्तांतरण में, संस्कृति के परिवर्तन में, व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में, व्यक्ति विकास के बाधक में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, संस्कृति और शिक्षा का संबंध यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, व्यक्तित्व तो विकास में बाधक। सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे पहले उल्लेख किया था सर जोन्स ने। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक उद्विकास एक ही वस्तु है, किसने कहा था? तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास एक ही वस्तु है, स्पेंसर ने बोला था। सांस्कृतिक परिवर्तन को भौतिक, अभौतिक और संयुक्त संस्कृति में किसने बांटा है? तो चापिन ने बांटा था सांस्कृतिक परिवर्तन को भौतिक, अभौतिक और संयुक्त संस्कृति। परिवर्तन का कौन सा प्रकार सामाजिक आदर्शों एवं मानकीकृत लक्ष्यों की स्थिति में होता है? तो परिवर्तन का यहाँ पे प्रगति जो है सामाजिक आदर्शों और मानकीकृत लक्ष्यों की स्थिति में होता है। सामाजिक परिवर्तन के प्राविधिक सिद्धांत के प्रणेता हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 46 का आंसर हो जाएगा आगबर्न। सामाजिक परिवर्तन के प्राविधिक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आगबर्न है। रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हो जाएंगे
कामटे, मार्क्स, स्पेंसर, सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऐसे भी लगभग उपर्युक्त सभी वाले जितने ऑप्शन हैं लगभग सही ही जा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन ने प्रतिपादित किया था। सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम किसने बताया था? ये सब चीजें देखिए याद ही करने वाली है, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम किसने बताया था? कामटे ने बताया था। किसने कहा सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है? ये किसने कहा था? ये कहा संस्कृति के तत्वों में परिवर्तन का परिणाम है। संस्कृति के तत्वों में परिवर्तन का परिणाम क्या है? विवाह में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का जैविकी कारक है, तो सामाजिक परिवर्तन का जैविकी कारक कौन सा है? अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे तो ए हो जाएगा जैविकी कारक में, जन्म दर तथा मृत्यु दर में परिवर्तन। सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवासन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, एम एन श्रीनिवासन। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 53 तक कवर करा दिया है। तो इस तरह से आपकी पूरी बुक मैंने यहाँ पे कवर करा दी है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाली बुक होगी, आपको अगली वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल सके और आप लोग रिवाइज कर सकें और आपके मार्क्स अच्छे आए, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए ठीक है, बस इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट राइट अ कमेंट ऑफ थैंक्स। ओके, थैंक यू।